टीकमगढ़ शहर के पुरानी टहरी मोहल्ला के पास महेंद्र सागर तालाब किनारे एक नवजात बच्ची का शव पड़ा मिला है। मंगलवार सुबह जैसे ही राह चलते लोगों ने नवजात के शव को देखा तो तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। जानकारी लगते ही एसआई रघुराज सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा की कार्यवाही की गई। जानकारी के अनुसार महेंद्र सागर तालाब किनारे बने बाईपास रोड के पास मंगलवार सुबह एक नवजात बच्ची के शव को देखा गया। मोहल्ले में जैसे ही नवजात का शव पड़ा होने की खबर फैली तो बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मोहल्ले वालों ने तुरंत इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। जानकारी लगते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने पंचनामा की कार्यवाही के बाद नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में नवजात बच्ची का शव 7 से 8 माह का लग रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल भेजा है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई उजागर हो पाएगी। टीकमगढ़ से सुबह पाठक की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।